नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की ताजा और खास खबरों की। गुजरात में 13 जिलों में 200 mm से ज्यादा हुई बारिश, 13 जिलों में बाढ़, 15 की गई जान, सेना की गई तैनात। कोलकाता डॉक्टर मर्डर रेप केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद अब भाजपा ने 12 घंटे बंद का किया आह्वान। ममता का कहना, 16 दिन से सीबीआई जांच जारी, कहां है न्याय। भारत ने अमेरिका से 73,100 असल्ट राइफल्स का दिया दूसरा ऑर्डर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील को भारत ने 837 करोड़ रुपए में किया साइन। अरुणाचल प्रदेश में ऑपरेशन के दौरान सेना के 3 जवान हुए शहीद, खाई में गिरा ट्रक जिसमें 4 जवान हुए गंभीर घायल। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक, 35 जिलों में 7 बच्चों की ली जान, जिले में भेड़ियों के आतंक से लोग परेशान। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में 2 सहेलियों के शव पेड़ पे फांसी के फंदे पर लटके मिले, पुलिस ने रेप और हत्या की आशंका से किया इनकार। बात करें चांदी सोने के भाव की, तो चांदी एक दिन में 1242 रुपए हुई सस्ती, जो 84,720 रुपए प्रति किलो पर पहुंची, तो वही सोने की कीमत में 68 रुपए की आई गिरावट। शेयर बाजार में 25,129 का ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा निफ्टी, ये 34 अंक की तेजी के साथ 25,052 पर हुआ बंद। आईटी, फार्मा और हेल्थ केयर शेयरों में रही तेजी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। जसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने बुधवार को चरखी दादरी शहर में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधा। दरअसल उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा में 60-60 टिकटार्थी हैं और टिकट ना मिलने पर यही प्रत्याशियों की मंजी ठोकेंगे। आपको बता दें कि पूर्व विधायक एवं चुनाव में जसपा प्रत्याशी राजदीप फोगाट के चुनाव प्रचार का आगाज करने पहुंचे जसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे और इसीलिए जसपा को इनमें कामयाबी नहीं मिली। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक शख्स था जो टीवी पर 400 पार का नारा देता था, उस शख्स का नारा और गारंटी भी धरी रह गई, उड़ीसा में थोड़ी कमी रह गई वरना राज के लाले पड़ जाते। बताते चले कि अजय चौटाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी 70 पार का नारा दिया था, उन्हें भी जमुना पार कर दिया गया। अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी भाजपा की तरह प्रदेश में 70 पार का नारा दे रहे हैं और उनकी फूंक भी जल्द निकलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 11 साल में अपनी जिला स्तर की इकाई भी गठित नहीं कर पाई और अब उनके नेता प्रदेश की भलाई का राग अलाप रहे हैं। छुट्टी और त्योहारों के करीब पड़ रहे हरियाणा विधानसभा चुनाव को बदलने की मांग ने भले ही जोर पकड़ा हो, लेकिन निर्वाचन आयोग इस पर किसी भी अंतिम फैसले से पहले राज्य के बाकी दलों से भी रायशुमारी की तैयारी में है। माना जा रहा है कि वह जल्द ही इस मुद्दे पर बाकी राजनीतिक दलों से भी चर्चा कर सकता है। बता दें, मौजूदा चुनावी कार्यक्रम के तहत राज्य में 1 अक्टूबर को मतदान और 4 अक्टूबर को मतगणना होनी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव की यह मांग उस समय तेज हुई है जब मतदान की तारीख के पहले और बाद में पड़ रही छुट्टियों का हवाला देते हुए भाजपा ने निर्वाचन आयोग के सामने बदलाव की मांग रखी। बीजेपी का कहना है कि लंबी छुट्टियों के चलते लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं, ऐसे में मतदान प्रतिशत में कमी हो सकती है, इसीलिए मतदान की तारीख में बदलाव किया जाए। भाजपा के समर्थन में राज्य की प्रमुख पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने भी समर्थन किया। साथ ही अखिल भारतीय विश्नोई समाज ने भी आयोग को पत्र लिखकर मतदान की तारीख बदलने की मांग की है। हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने घोषित तारीख पर ही चुनाव कराए जाने की राय जाहिर करते हुए मतदान की तिथि बदले जाने के किसी भी प्रस्ताव का विरोध किया है। जिंद के खटकड़ टोल प्लाजा पर 105 गांवों व खापों ने ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट का सम्मान किया। दरअसल इस दौरान विनेश फोगाट से जब भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह की टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो फोगाट ने कहा, मैं नहीं जानती कौन संजय सिंह। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान वे किसानों के वीडियो देखकर रोती थी। विनेश ने यह भी कहा कि खाप उनका परिवार है, हमेशा उनके साथ खड़ा है। जब महिला पहलवानों का आंदोलन चल रहा था तब भी यही लोग साथ खड़े थे और उन्होंने ये भी कहा कि जिंद के लोग क्रांतिकारी हैं। हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची 29 अगस्त को जारी कर सकती है। भाजपा की पहली सूची में प्रमुख नेताओं के नाम शामिल होंगे।
जिनके टिकटों पर किसी तरह का संशय नहीं है। वहीं इस सूची में कई प्रमुख नाम शामिल हो सकते हैं। बता दें, संभावना जताई जा रही है कि करीब 2 दर्जन ऐसे उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है जो निर्विवाद है और जिन पर पार्टी चुनाव जीतने का भरोसा करती है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 28 अगस्त को होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से ठीक पहले 28 अगस्त बुधवार को ही नई दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निवास पर भाजपा की छोटी टोली की बैठक होने वाली है। बताते चले कि बैठक में भाजपा प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, विधानसभा चुनाव सह प्रभारी विप्लव कुमार देव, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी शामिल रहेंगे। हरियाणा में भाजपा 10 साल से सत्ता में है, जिस कारण सत्ता विरोधी लहर का असर महसूस किया जा रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने जसपा नेता पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बिना हेलमेट ड्राइविंग पर उनकी चलाई बाइक पर चालान काट दिया है। दरअसल दुष्यंत ने एक बाइक रैली के दौरान ये बाइक चलाई थी। हालांकि ये बाइक दुष्यंत चौटाला की नहीं बल्कि उनके समर्थक के नाम पर है। वहीं पुलिस ने जो चालान रसीद जारी की है उसमें दुष्यंत चौटाला बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, उनके चेहरे को पुलिस ने धुंधला कर दिया है। वहीं पुलिस जांच के मुताबिक पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो लाल रंग की बुलेट बाइक चलाई थी वह सियासत अली के नाम पर रजिस्टर्ड है। चूंकि इस पर दुष्यंत चौटाला और उनके पीछे एक और व्यक्ति बिना हेलमेट के बैठे हुए थे, उनका 2000 का चालान काट दिया गया। खास बात यह है कि बाइक रैली का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दुष्यंत चौटाला को पीछे से हेलमेट के बारे में कहा गया तो उन्होंने सिर हिलाकर मना कर दिया। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।